क्या नाम है सर जी आपका? शेख नासिर अहमद। शेख नासिर अहमद, ओके। ये आपकी मम्मी जी, क्या नाम है दादी जी? आयशा बी। आयशा बेन, ओके। शेख भाई, आपका फ़ोन आया था और इसलिए आज हम आपके घर की मुलाकात लेने के लिए आए हैं, ठीक है? तो आपके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं। तो आ जाइए इस साइड। भैया, मेरा नाम पोपट भाई है। हाँ। आपका नाम क्या बताया आपने? शेख नासिर अहमद। शेख नासिर अहमद, ओके। आपका नाम माजी? आयशा भी। आयशा भी। आयशा भी। तो क्या प्रॉब्लम है दोनों पैर में? दोनों पैर में हैंडीकैप हो, 80% हैंडीकैप यानी विकलांग हो। पोलियो हो गया था, 2 बरस का था जब छोटा। अच्छा, पोलियो ग्रस्त। हाँ। 2 बरस का था जब से हो जाया था, 2 साल का था। उसके बाद की तो जिंदगी, उसके बाद में तो सर बहुत तकलीफ हो गई। ऑपरेशन के लिए बोला था डॉक्टर ने, पर उसमें गारंटी नहीं थी। उसमें बोल रहे थे अगर उसमें 2-3 ऑपरेशन कैंसिल हो गए थे यानी फेल हो गए थे, तो उसमें जितना थोड़ा बहुत भी चल सकता था उससे भी ज़्यादा तकलीफ में आ गए। इसके डर के कारण फिर ऑपरेशन कराया नहीं, उसके बाद में फिर ऐसे ही चल रहा है। पर ज़िंदगी गुजर रही है, थोड़ा बहुत तकलीफ तो झेलनी पड़ती है, चल रहा है। पर तो अभी आप कितने लोग परिवार में रहते? भाई की वाइफ है और 2 बच्चे। अच्छा। माँ बाप नहीं, लड़का नहीं उसको। अभी मुझे ऑलरेडी मगज में भी प्रॉब्लम है, खींच आती है। अच्छा, खींच आती है। हाँ, खींच आती है। अभी 4 अठवाड़े दिन पहले ही खींच आ गई थी, दवा पूरी हो गई थी। तो दवा मैं सोच रहा था लाने के लिए, तो पैसे लेने थे एक फ्रेंड से, तो एडजस्ट नहीं हो पाया। तो उस दिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, तो मुझे तो कुछ पता नहीं होता है, मम्मी को पता था। फिर वो अर्जेंट में फ्रेंड को बुलाया, पैसे देके मम्मी ने फिर दवाई मंगाई, तो अभी जरा ठीक है। बेटा अपन क्या करेंगे, मजबूरी, गरीबी की मजबूरी है। अब एक लड़का है, उसके ऊपर घर चलता है। ये देखो ऐसा तबीयत खराब रहती, भाई कहता है क्या उसको कहीं जाएगा आएगा तो कुछ होगा, जाएगा तो कौन इसका जिम्मेदार, लोग अपने को नाम रखेंगे कि भाई ऐसा भाई का वो भी काम धंधे से लगा रहे। बट दिव्यांग होने के कारण कोई काम पे भी नहीं रखता। हाँ, कोई प्रॉब्लम पार्किंग में करता था 4 साल पहले जॉब करता था आगे ट्रक पार्किंग में, पार्किंग स्लिप बनाने की। पर वो वहाँ पे यहाँ से गोडाउन ही सब ट्रांसपोर्ट हट गए, तो उसी बात से सारोली चले गए वो लोग, उसके बाद से फिर प्रॉब्लम हो गई, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए फिर मैं सोचा कि केबिन का, पोपट भाई फाउंडेशन का आपका पता चला, तो मैं वहाँ पे कॉल किया, तो आए थे एक बार देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो मुझे बहुत उम्मीद है सर कि आप अगर मुझे ऐसा सब कर देंगे तो मुझे बहुत वो होगा। उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी के हिसाब से जैसा है थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चला रहे, अपनी ज़िंदगी जी रहे। ना ना, वो तो बात सही की आपने। अल्लाह भगवान जैसे भी हमें बनाया है एक इंसान के माध्यम से, तो कई सोच समझ के उसने इधर भेजा। हाँ, वो उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। अब ज़िंदगी में नसीब में ऐसा लिखा था, कोशिश तो की, अंदर से दुख तो बहुत होता है मन दूसरों को देख के, पर अब क्या करें, नसीब के हाथ में, नसीब के फैसले, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी कोशिश करते थोड़ा बहुत कुछ करने की, कैसा कुछ अगर हो जाएगी मदद तो मैं कुछ कर सकूँ आगे। ना ना, बिल्कुल। और हमारा फाउंडेशन जो वर्क कर रहा है वो बिल्कुल आत्मनिर्भर लोगों को बनाने के लिए कर रहा है। हमारी सरकार भी हमें यही संदेश देती है कि लोगों को इस कोरोना की महामारी के कारण जितने भी बेरोजगार है, तो उसको हमारा जितना हो सके, एक आदमी का हो सके तो एक आदमी के लिए, या जितना भी हो सके उतनी हम मदद करें। और लोगों का, जो भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, उसके साथ और सहकार के वजह से ही आज हम कुछ कर पा रहे हैं। और आप मेहनत करना जानते हो और मेहनत करना चाहते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। बिल्कुल, मुझे भरोसा है पूरा कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा। अगर आप मुझे थोड़ी मदद कर देंगे तो मैं आगे कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। ना ना, बिल्कुल। बहुत दुख होता बेटा, क्या करता, बहुत दुख होता। क्या सोचते हो जब? बहुत सोचती, रात नींद नहीं आती मैं, कुछ बच्चे के लिए। एक लड़का भी है उसको, 4 साल का छोकरा है। अब माँ बुलाती उसको, वहाँ कैसा भेजाएंगे अपन? हम कहते यहाँ आ तू, देखो यहाँ कहीं ना कहीं घर दिला देंगे हम, यहाँ रहे छोकरे के साथ। तो निहाल नहीं बोलती हो ना आप?
मतलब आप बिल्कुल रोइए मत दादी जी, आज हम आपकी भावनाओं को समझ सकते, रोइए मत, आपके लड़के के अंदर बहुत ही हिम्मत है और तभी यहाँ तक वो पहुँचे हैं। काफ़ी लोग ऐसे जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद एक नॉर्मल आदमी की तरह वो अपनी ज़िंदगी को कभी कभार भगवान को अल्लाह को दोष देते कि भगवान हमने ऐसा क्यों बनाया, बट सबसे बड़ा गरीब आदमी वही है जिसके शरीर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, चलने फिरने में हो या फिर देखने में हो या सुनने में हो। बहुत बहुत एहसान है उसका ये हाल में भी ऐसा, पर आप जैसे लोग मदद करते हैं तो बहुत ऐसा दिल में महसूस होता है कि बहुत लोगों के पास में गया पर सब ऐसे ही घुमा रहे थे, बानाबाजी कर रहे थे, आ जाना कल आना, पर मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा था कि पोपट भाई फाउंडेशन से मेरे को मदद मिलेगी और आपके सामने ही है सर। ना ना बिल्कुल, हमें बहुत ही खुशी मिलेगी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। आपको कुछ करना है तो हम आपके लिए बिल्कुल माध्यम बनेंगे। आप क्या करना चाहते हो? मैं केबिन चालू करना चाहता हूँ ये। बरोबर, जो दिव्यांग लोगों के, दिव्यांग लोगों के लिए। ना ना बिल्कुल, हम अभी तक बहुत सारे ऐसे लोगों को हम सपोर्ट कर चुके हैं और आपकी भी मदद करने के लिए भगवान अल्लाह ने हमें जो मौका दिया है तो बिल्कुल हम आपको सहारा रूप बनेंगे। आज ही आज करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा हमें समय दीजिए। ठीक है, बात नहीं, आप कभी भी चाहे, पर मैं आपसे उम्मीद लगा के बैठा हूँ। कम से कम आप, अल्लाह ने आपको ये लायक बनाया कि आप हमारी मदद कर रहे हो। नहीं नहीं, बहुत भगवान के हम सिर्फ, अल्लाह के हम सिर्फ एक माध्यम है, बाकी जो भी लोग करते हैं वो हमें देख रहे हैं और उसके साथ हो सहकार की वजह से ही और भगवान की कृपा से ही हम ये सब कर पा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, हमें पूरा विश्वास है कि आप बहुत कुछ आगे बढ़ोगे और आपकी ये सहारा रूप बनने के लिए अल्लाह ने हमें जो मौका दिया है भगवान ने, तो हम बिल्कुल आपके इस मौके को जाने नहीं देंगे। हमें थोड़ा समय दीजिए, एक दो दिन में आपके लिए एक अच्छा सा सेटअप तैयार करते हैं और आपको एक अच्छी सी एक नई दुकान की एक नई शुरुआत करते हैं। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप, अगर ऐसा मेरा फिर से वापस से काम चालू हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ना बिल्कुल, थोड़ा समय दीजिए हमें, कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे। कोई बात नहीं, ठीक है। बस दोस्तों, आपने देखा आगे कि इंसान को कुछ ना कुछ माध्यम से, कुछ ना कुछ तरीके से हम कुछ अच्छी करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल इस समय के साथ हम सब लोग जी सकते हैं। एक इंसान है तो इंसान की मदद करते हैं, कोई भी जाति धर्म, कोई भी नाच जात देखे बिना कि ये सहाय हम आप सभी लोगों के प्यार के लिए ही सब कर पाते हैं। बस ऐसे प्यार सपोर्ट दीजिए भाई के लिए। आज के आज करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है, एक दो दिन में फिर से हम एक अच्छा सा सेटअप तैयार करेंगे उसके लिए और उसको जो भी कुछ करना है तो बिल्कुल आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। इस एपिसोड को पूरा देखिए और आपके सभी ग्रुप के अंदर शेयर करिए। बस नासिर भाई के लिए पूरा सामान आ गया है दुकान का और अभी हम जा रहे हैं। नासिर भाई को भी बुला लिया, उसने जो भी जगह डिसाइड किया है तो उसके अच्छा व्यापार हो सके ऐसा, तो वहाँ पे दुकान भी हमने मंगवा लिया है। अभी हम जा रहे हैं, वो भी वहाँ पे आ गए, साफ सफाई करके अभी सब उसको दुकान एकदम से तैयार करके वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। उसको कोई पुशअप करने वाला नहीं था, वो उसको हम मदद करेंगे। बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और मैंने जैसी उम्मीद लगाई थी उससे बढ़ के काम हुआ है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी आप ऐसा कर दोगे, मैं जिस पे भरोसा नहीं किया था पर बाकी आपने काम कर दिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस थोड़ा समय दीजिए, ठीक है, हम दुकान को कंप्लीट कर देते हैं, जो भी बैनर है सब लगा देते हैं और आज जिसने आपको सपोर्ट किया है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, फाइनली अभी दुकान रेडी हो रही है और दुकान का जितना भी सामान है तो वो सब सामान भी नरेश भाई सेट कर रहे हैं। और दोस्तों, आज जिसने हमें सपोर्ट किया है उसका नाम है उर्जला बेन कनुभाई पटेल और ख़ास करके पुष्पा बेन
के कहने पे आज उर्जला बहन और कनुभाई पटेल के पूरे परिवार की तरफ से ये दुकान आज नासिर भाई के लिए कंप्लीट होने जा रही है। तो थैंक यू सो मच उर्जला बहन और कनुभाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इस हमें काबिल समझा और आज इस भाई के लिए ये बढ़िया सा सेटअप तैयार किया है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपने आगे वीडियो के अंदर देखा कि जो नासिर भाई जहाँ पे रहते थे और उसके घर पे जाके हमने पूरी तपास की और कुछ वो ज़िंदगी में करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आज एक मौका दिया है आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो नासिर भाई, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इतनी जल्दी केबिन भी हो गया और गले में सामान भी आ गया और मेरा फिर से वापस से धंधा चालू हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी जल्दी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये काम हो जाएगा और इतनी जल्दी हो गया है। बस हमारा यही मतलब मकसद है कि जो इंसान मेहनत करता है तो उसको लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से उसको पूरा हक है इस दुनिया में जीने का। हाँ, वो उसमें ऐसा है कि बहुत से लोग जो पूछते देखते पूरा तहकीक करने के, जैसा आपने देख के गए मेरे घर पर आके चेक करके गए, वैसा एक इसके पहले भी हुआ था। वो जो हमारे वाले जो थे वो लोगों ने कुछ अभी तक का मेरी मदद नहीं की, पर मैंने आपसे उम्मीद लगाया था पोपट भाई की टीम से और पूरा काम अच्छे से हो गया, पूरा एकदम सब कुछ मैंने जैसा था उससे अच्छा हुआ, बढ़ के काम हो गया। बस और आज जिसने आपको सपोर्ट किया है उसका नाम है उर्जला बहन कनुभाई पटेल और उसके पूरे परिवार की तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट दी गई है। देखो, आपका धंधा भी अब चलने लगा है। चलिए ठीक है, बस आज उर्जला बहन और उसके पूरे परिवार की तरफ से आज आपको ये जो भेंट दी गई है तो उसको अच्छे से ख्याल रखिएगा और आपसे उम्मीद है कि आप बहुत आगे जाओगे। मैं जाऊंगा बहुत ही। उर्जला बहन और कनु भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनके लिए मैं दुआ करूंगा कि वो बहुत आगे जाए और उन्होंने मेरी मदद की, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम विदाई लेते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके सर। और फिर से हम मिलेंगे और आपका जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो तो हमें बात बताना। ओके सर, ठीक है। ठीक। तो दोस्तों, आपने आगे देखा कि जो भी हम कुछ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारा एक ही मकसद है कि इंसान है तो इंसान की मदद करे, कोई भी नात जात धर्म देखे बिना। आप लोगों का प्यार है और इसकी वजह से ही आज ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है, तो बस ऐसे प्यार सपोर्ट दीजिएगा। इस वीडियो को आपको पसंद आया हो, इस एपिसोड को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आपकी एक शेयरिंग काफ़ी लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए काम आ सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। और आज खास करके जिसने सपोर्ट किया है उसका नाम है उर्जला बहन और कनु भाई, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज इस काम के लिए आपने हमें निमित्त बनाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। एक नए एपिसोड के साथ फिर से मिलेंगे, तो वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए सर, अब आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद, बिल्कुल।